साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की छत्र छाया और उसने यहां पर हो रहा है कार्यक्रम, इसका एक विशेष महत्व बन जाता है, क्योंकि सभी सिविल सेवा को राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्रीय एकता का अहम माध्यम बनाने का विजन स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। अपने इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया। तब कुछ लोगों को लगता था कि जिन अफसरों की भूमिका आजादी के आंदोलन को दबाने की रही, वो आजाद भारत के निर्माण में मददगार कैसे सिद्ध होंगे, और ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक भी था, ये विचार भी स्वाभाविक था और नफरत का भाव भी बहुत स्वाभाविक था। लेकिन दूरदृष्टा सरदार साहब ने इन तमाम आलोचकों को याद कराया कि आखिरकार ये ब्यूरोक्रेसी ही है जिसके भरोसे हमको आगे बढ़ना है, यही ब्यूरोक्रेसी है जिसने रियासतों के विलय में अहम कड़ी की तरह काम किया था। साथियों, सरदार पटेल ने दिखाया है कि सामान्य जन के जीवन में सार्थक बदलाव के लिए हमेशा एक बुलंद इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। करीब 100 साल पहले अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी को 10 साल के भीतर भीतर सीमित संसाधनों के बीच ट्रांसफॉर्म करके उन्होंने सबको अपनी प्रतिभा का कायल बना दिया था, और इसी विजन के साथ ही उन्होंने आजाद भारत की सिविल सेवा का खाका खींचा था।